अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार रेसिपीज़ पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30, रात में 12 से 1 और सुबह में 9:30 से 10:30 हमारा शो रिपीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द मैसेजेस। सैटरडे को, हफ्ते को हमारी 14th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन से यहाँ मसाला टीवी पे, देयर वर अ लॉट ऑफ ग्लैमरस स्टार्स एंड हम भी थे और आपने सब कुछ एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, यू सेंट अ लॉट ऑफ नाइस मैसेजेस फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग हैं तो हम हैं। आज क्या बना रहे हैं? अगर आप लोगों ने वीकली स्लाइड देखा होगा तो आज हम बना रहे हैं लेमन एंड पिस्ताचियो कुकीज़। ठीक है, नींबू और पिस्ते के मज़ेदार बिस्किट्स हैं। इस हफ्ते मैं आपको बहुत सारे बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी, स्पाइसी भी हैं और मज़े मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आज हम थाई चिकन मीट बॉल्स बनाना सिखाएंगे यूजिंग अ फ्यू थाई सॉसेज, और मीट बॉल्स को हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। समझ आ गई? बहुत ही आसान है। चलो तो हम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगले पिछले हफ्ते के जो हमने 3 चीज़ें की थी फ्राइडे की, एक वो चॉकलेट फज ब्राउनी आइसक्रीम था, एक हॉट फज सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया था, उसके अलावा मैंने आप लोगों को पाइनएप्पल एंड कोकोनट का आइसक्रीम बनाना सिखाया था। सब कुछ फ्रीज़र में फ्रीज हो चुका है। एंड वाइट चॉकलेट मूस केक, उसको हम डेकोरेट करेंगे चेरीज़ के साथ, वाइट चॉकलेट के साथ, और उस तरह आपको सब कुछ आज दिखाएंगे। सो देयर विल बी 3 मीठे, ये बिस्किट्स और मीट बॉल्स टुडे। ठीक है, अब इनको प्रीहीट करना ज़रूरी है। प्रीहीट करने का मतलब होता है जिस डिग्री पे आपने बेक करना है, मसलन ये हम 180 डिग्रीज पे बेक कर रहे हैं, तो हमेशा अवन को गर्म करना ज़रूरी है। प्रीहीट यानी गर्म करना है, खाली इसको ऑन कर देना है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो एटलीस्ट ये हो जाए गरम, फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करिए। चीज़ें इसमें डालिए, ठंडे अवन में चीज़ें नहीं डालिएगा। ठीक है जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पिस्ताचियो लेमन कुकीज़। मैदा है 1 और 3/4 कप, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक है 1/2 टीस्पून, मक्खन है 1/2 कप, ठीक है, 1/2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 1/3 कप शहद है, हनी हंग कर्ड 3 चमचे हम लेंगे, ये ज़्यादा है, विल ओनली टेक 3 टेबल स्पून, वरना फिर डो बहुत नरम हो जाएगा। और इस डो को आपने फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। डो बना के उसको क्लिंग में ऐसे लॉग शेप में कर दीजिएगा, फिर आप उसको स्लाइसेस में काट के कर सकते हैं बेक। अब मेरे पास तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा कि मैं 1 घंटा फ्रिज में रखूं डो, तो मैं हाथ से बॉल्स बना दूंगी या फिर हम कुकी स्कूप से, आइसक्रीम स्कूप से बना देंगे। उसके बाद इसमें हम लेमन का छिलका डालेंगे, लेमन एसेंस डालेंगे और लेमन जूस भी डालेंगे। ठीक है, पीला रंग भी हल्का सा जाएगा। पिस्ते हैं चॉप करके रख दिए हैं, कॉर्सली चॉप करिएगा, मोटा मोटा चॉप कर दीजिएगा, पीस नहीं लीजिएगा। ठीक है, वी वांट कि वो मुंह में टेक्सचर में पिस्ते आएं, और फिर एंड में जब ये कुकीज़ हो जाएंगी तो उसको डस्ट करेंगे हम आइसिंग शुगर के साथ। दैट्स इट, वेरी सिंपल रेसिपी, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। कितनी सारी ला तादाद मैंने बिस्किट्स आपको बनाना सिखाई हैं, 3-4 भी ले लेंगे आप रेसिपीज़, और उसका एक आप असॉर्टेड डब्बा बना देंगे, किसी के घर जाएं दावत पे तो वो लेके जाएं, तो कितना अच्छा एक पर्सनलाइज सा गिफ्ट होगा। लोगों को अच्छा लगेगा कि आपने कुछ बनाया है, बनिस्बत बाहर से केक लेना या मिठाई ले लेना या सिर्फ फूल लेके जाना। हमेशा किसी के घर जाते हैं तो इट्स अ रिवायत है, ट्रेडिशन है, इट्स गुड मैनर्स, एटिकेट्स हैं कि आप किसी के घर जाओ या कोई आपको बुलाए कहीं दावत पे भी तो आप कुछ लेके जाओ। हमेशा मैं तो खाली हाथ में तो नहीं जा सकती भाई, कुछ जाते हैं लोग खाली हाथ भी मैं नहीं कर सकती ऐसे। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन, बस ये ज़रा ज़्यादा है और इसमें पानी अभी भी है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने सुबह में किया था। 3 चम्मच सिर्फ हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं जाएगी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। सब कुछ मिक्स एंड पुट टू बेक। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको ठंडा ज़रूर करिएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस, शुक्र मैंने देख लिया, वरना फिश सॉस चला जाता इसमें, जो शहद है, ये सब चीज़ें हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। अगर आपने वीकली स्लाइड देखा है तो मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ और इस हफ्ते, तो मेरे साथ रहिएगा। ठीक है जी, मक्खन, चीनी, अंडा, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर अंडा, मक्खन,
अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये बेकिंग पाउडर चला गया और शहद जाएगा फिर इसमें हम लेमन का छिलका डालेंगे ठीक है जस्ट द येलो पार्ट वाइट पार्ट नहीं जाए को लगेगा कि इससे क्या टेस्ट आएगा इससे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है ट्राई करके देखिएगा इसी तरह ऑरेंज का जेस्ट भी आप डाल सकते हैं कभी कभार ऑरेंज के साथ बनाइए कभी कभार नींबू के साथ बनाइए ऑरेंज सीजन में आएंगे तो उसका जेस्ट निकाल निकाल के फ्रीज़र में डालते जाइएगा पूरा साल मैं इस्तेमाल करती हूँ फिर ख़राब नहीं होता है टर्न करते जाइएगा कि वाइट पार्ट नहीं आए ठीक है सिर्फ येलो पार्ट आए चलो जी ये हो गया अब इसको काट लेते हैं इसका जूस भी हमें डालना है जस्ट फ्यू ड्रॉप्स बहुत सारा नहीं फिर पिस्ते चले जाएंगे चॉप किए हुए उसके बाद हम इसमें ये 3 चम्मच डालेंगे हंग कर्ड है दही है दही का मट्ठा है नॉट अ लॉट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फिर हम डाल सकते हैं पहले से नहीं ये मैंने कहा था ना ज़्यादा मिलाई हूँ पीला रंग बहुत थोड़ा सा उस दिन वो जो कुल्फी बना ली थी ना मैंने बिल्कुल डार्क ग्रीन वैसा कलर नहीं हो जाए कहीं थोड़ा सा पहले डालते हैं फिर ज़्यादा डाल सकते हैं इफ़ वी नीड अच्छा जी और फिर उसमें हमने लेमन एसेंस डालना है ठीक है एसेंस लेमन का भी थोड़ा सा डालिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये चला गया मिलता है यहाँ से मैंने लिया है और ये मैदा बेकिंग पाउडर और नमक है इसको ज़रा एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं मैदा बेकिंग पाउडर नमक सब कुछ चला गया ना अच्छा पिस्ते हैं लेमन जूस है और लेमन एसेंस है लेमन का छिलका है दही का मट्ठा है चीनी है पिसी हुई शहद है मक्खन है नमक है बेकिंग पाउडर है और मैदा है सब कुछ मैं मिक्स करती हूँ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इफ़ आई फील आई ऐड जस्ट लिटिल 1 ड्रॉप और पीले रंग का डालेंगे और आपके लिए हम इंतज़ार करेंगे आप ब्रेक लेके वापस आएंगे तो आपके सामने हम ये कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे तो कहीं मत जाइएगा मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी वेलकम बैक मैं छोटे छोटे हाथ से कुकीज़ बना रही हूँ वॉट टू डू ना बिकॉज अभी इसको ठंडा कर रहे हैं आप इसको पूरे डो को आधे में डिवाइड कर दीजिएगा दोनों डोज को आप ऐसे लॉग शेप में रख दीजिएगा ठीक है सिलेंडर के शेप में और फ्रिज में रख दीजिएगा क्लिंग लगा के फिर निकाल के स्लाइसिस काटिएगा अब ये हम तो नहीं यहाँ कर सकते वेट सो आई हैव टू डू दिस जगह छोड़िएगा ताकि बस पीला रंग थोड़ा सा ये चंद कतरे ही हमने डाला था एक ही साइज़ के बनाइएगा ताकि छोटे बड़े ना हों वाइट चॉकलेट मूस केक को किसी भी तरीके से आप डेकोरेट करिएगा मैं चेरीज लेके आई हूँ रेड और ग्रीन कुछ भी लगाइएगा आप सिर्फ वाइट चॉकलेट कर्ल्स बना के रख सकते हैं वो वाइट वाले चॉकलेट्स आते हैं वो रख सकते हैं खोपरा ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं पिंक कलर का करके क्योंकि वाइट पे वाइट कुछ नज़र ही नहीं आएगा सिर्फ वाइट स्वर्ल्स ऑफ क्रीम भी कर सकते हैं ये छोटा है हंग कर्ड 3 चमचे से ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़ ये याद रखिएगा ओके 3 चमचे ही होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप कम ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर अच्छा मैं एक काम करती हूँ मैं एक ट्रे को भी रख देती हूँ जब तक दूसरी ट्रे को हम बना लेते हैं ठीक है विल डू दैट अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटर शेल्फ
बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट होगा विथ लेमन जेस्ट एंड लेमन एसेंस, लेमन जूस और फिर हंग कर्ड भी, दही का मट्ठा। पिछले हफ्ते की रेसिपीज़ बहुत सारे फैंस और व्यूअर्स ने ट्राई की हैं। फ्रोज़न डिज़र्ट्स वीक हमने पिछले हफ्ते किया था, अलग अलग मीठे थे जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब ने ट्राई किया, सब ने अपने अपने तरीक़ों से बनाई हैं चीज़ें और मुझे रेसिपीज़ की तस्वीरें भेजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। डो ठंडा होगा ना, जिस तरह हाथ पे चिपकेगा नहीं, ठीक है। बिस्किट्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिखाए हैं, कुकीज़ के अलावा बिस्किट्स हैं, ये बिस्किट्स हैं जी। कॉलर हैं एक हमारे साथ, कौन है जी? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से जी? मैं मिसेस फारूक, फर्स्ट टाइम कॉल लगी है मेरी, मैं परसों से मिला रही हूँ, इन कॉल की थी मिल रही। थैंक यू, आपने ट्राई किया, वेलकम टू माई शो, फरमाइए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। और मैं तकरीबन 12-13 साल से ये देख रही हूँ। 12 साल से देख रही हैं मैं जी। जब शेफ राकर थे। कौन कौन? शेफ राकर, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। शेफ जाकर थे, शायर थे। जी जी जी, बहुत सीखा मैंने। और पूरी टीम को मुबारकबाद दीजिएगा मेरी तरफ से। थैंक यू, जरूर। बहुत अच्छे हैं, आजकल की शेफ जो आए हैं बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वो निकलेगी ट्रे तब ये डालेंगे, अभी नहीं। मैं रिकैप कर दूं। ओके, सो पिस्ताचियो लेमन कुकीज़ के लिए मैंने क्या किया था, 1 और 3/4 कप मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा, उसमें छान के 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिएगा, 1/2 टीस्पून नमक गया था उसमें, फिर मैंने एक बोल में 1/2 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, सर्दियाँ हैं तो फिर मक्खन सख्त रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट मक्खन चाहिए, नरम, पिघला हुआ नहीं चाहिए, नरम चाहिए। 1/2 कप मक्खन आपने बीट किया, उसमें आपने 1/2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, 1/3 कप आपने उसमें शहद डाला, यानी 1/3 कप। हंग कर्ड 3 चमचे होने चाहिए, 1/2 किलो या 1 पाव दही टांग लीजिएगा, और फिर 3 चमचे हमें सिर्फ चाहिए, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, डो नरम हो जाएगा। फिर आपने उसमें थोड़ा सा लेमन का छिलका डाला, पीला रंग डाला, चंद कतरे लेमन का जूस डाला और लेमन एसेंस डाला। लेमन एसेंस नहीं मिले तो वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा, लेमन एसेंस मैंने यहीं से लिया है, ठीक है। और पिस्ते चॉप करके कॉर्सली चॉप करिएगा, पीस नहीं लीजिएगा मशीन में, पाउडर नहीं चाहिए हमें, पिस्ते मुँह में आए वैसे कॉर्सली चॉप, मोटा मोटा चॉप कर दीजिएगा। वो डाल के सब कुछ मिक्स करके आपने बेक करने रख दिया, निकलेगा तो फिर हम इसके ऊपर आइसिंग शुगर छिड़क देंगे। आइसिंग शुगर की भी मैं एक बात करना चाहती हूँ, आइसिंग शुगर डब्बे में, बन्नी में, एयरटाइट डब्बे में भी होती है, फिर भी ना बाज़ वक्त एकदम वो हो जाती है, लंपी हो जाती है, तो ये मैंने अभी छाना है, छनी हुई होगी तो अच्छे से वो इक्वली इवनली आप यूनिफॉर्मली आपके कुकीज़ पे स्प्रेड होगी और स्प्रिंकल होगी, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे। नाउ व्हाट आर आई गोइंग टू डू, यस, अच्छा अब मैं करूँगी नूडल्स को बॉयल। मैं नूडल्स के ऊपर ये थाई चिकन मीट बॉल्स सर्व कर रही हूँ, तो मैं ज़रा नूडल्स को, थोड़े से ही नूडल्स लेते हैं हम, सर्विंग बनाएंगे हम एक सिंगल सर्विंग वाली। और थोड़ा सा फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं आज, उस चंद कतरे इसमें डाल देते हैं ताकि नूडल्स बिल्कुल बॉयल होते वक्त चिपके ना, ठीक है। थोड़ा सा नमक और नूडल्स को बॉयल कर दीजिए। दूसरे जो सारे अज्जा हैं, दे विल गो इन योर पैन, दे विल गो इन योर फूड प्रोसेसर, फिर हम उसको पीस लेंगे और पीस जाएंगे, फिर उसके मीट बॉल्स बनाएंगे। मैं पहले क्या करती हूँ कि मैं ये जो मेरे पास मूंगफलियाँ हैं, क्योंकि ये मूंगफलियाँ जो है ना उनको मुझे अवन में, मगर मुझे अवन अभी नहीं यूज़ करना है, दीज आर टू रोस्ट, इनको आपने रोस्ट करना है, ऊपर से गार्निश के लिए इस्तेमाल होंगी, फिर हम मोटा मोटा चॉप करके डाल देंगे। चिकन का कीमा लीजिए या चिकन ले लीजिए, मैंने ब्रेस्ट फिले ले लिए हैं, चॉप अप कर दिए हैं 1/2 किलो, उसमें आप एक पूरा बंच,
ठीक है, धनिया का डालिएगा और दो तीन लहसुन के जवे डालिएगा, एक इंच का अदरक का टुकड़ा है वो डालिएगा, दो हरे प्याज इसमें जाएंगे, फिश सॉस जाएगा, अंडा है, ब्रेड क्रम है और थाई स्वीट चिली सॉस जाएगा। ठीक है, ये है थाई स्वीट चिली सॉस, इसलिए कि हमें इसको बहुत तीखा नहीं करना है, येट एक थाई टेस्ट उसमें आना चाहिए। गार्निश के लिए थोड़ा सा और हम ऊपर से हरा प्याज डालेंगे, ये मूंगफलियाँ जो भून रही हूँ मैं वो डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और सर्व करेंगे इसको नूडल्स के ऊपर। सो आप इसी तरह देखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, इसमें कोई सॉस नहीं है, ये मीट बॉल्स हैं। ठीक है, हल्के से तेल में हम उनको तल देंगे, चिकन के हैं, जल्दी हो भी जाएंगे। सो अच्छा, उसके बाद फिर जब हम दोनों रेसिपीज़ से आज फारिग हो जाएंगे, कुकीज़ तो अवन में जा चुकी हैं इससे, तो फिर हम फ्राइडे की रेसिपीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि वाइट चॉकलेट मूस केक है, जो कि फज सॉस के साथ मैंने फज ब्राउनी आइसक्रीम बनाना सिखाया था आपको, और उसके अलावा मैंने पाइनएप्पल कोकोनट आइसक्रीम बनाया था। सो वी गॉट पाइनएप्पल्स टू डेकोरेट, चेरीज टू डेकोरेट, वाइट चॉकलेट भी। ठीक है, सो दैट्स दैट। अब हम सारे अज़ा डाल देते हैं इसमें, एक्स्ट्रा पानी ज़रा चिकन का निकाल दूं मैं। ये चिकन का कीमा या चिकन व्हाटएवर जिस तरह भी आपको डालना है, ठीक है, अदरक और लहसुन फ्रेश यूज़ करिएगा प्लीज़। वैसे भी इसमें सब कुछ चॉप हो जाएगा, मिंस हो जाएगा, तो आप मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं, छोटा बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आप हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा धनिया बचा के रखते हैं ऊपर के लिए, हरा प्याज जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, थाई फिश सॉस जो होता है वो भी सॉल्टी होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल दीजिएगा। इसको मैं किसी प्लेट में निकाल दूँ वरना पैन में छोड़ दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन होते रहेंगे। नमक थोड़ा सा, ठीक है, थाई स्वीट चिली सॉस, फिश सॉस, और पहले तो हम थोड़े ब्रेड क्रम्स डालेंगे ज़रूरत पड़ी तो, और सब कुछ डन। कुकीज़ को हम पीस लेते हैं। मैंने थाई स्वीट चिली सॉस अंदर भी डाला है फॉर अ नाइस थाई फ्लेवर। ठीक है, थोड़ा सा चिली सॉस हम क्या करेंगे, हम ये मीट बॉल्स को पका के उनमें कोट कर देंगे और उसके बाद फिर हम उन नूडल्स के साथ सर्व करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो ड्राई नहीं लगेंगे। ठीक है, सॉस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो थाई स्वीट चिली सॉस ही डाल दीजिएगा। लेकिन आपके पास थाई स्वीट चिली सॉस नहीं हो तो प्लीज़ ऑर्डिनरी रेगुलर चिली सॉस नहीं डाल दीजिएगा, वो बहुत तीखा हो जाएगा। चलिए, जब तक यहाँ नूडल्स हमारे बॉईल हो रहे हैं, कुकीज़ हमारी बेक हो रही हैं, ये मिक्सचर को मैं मिक्स कर रही हूँ, छोटे बॉल्स बना के हम रेडी करके रखेंगे। आपने लेनी है ब्रेक मेरे साथ एक, ठीक है, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक ट्रे हो गई है हमारी, इसको मुझे निकाल देना है, और उसके बाद हम दूसरी ट्रे डाल रख चुके हैं अवन में। ठीक है, लेमन पिस्ताचियो बिस्किट्स, शहद की वजह से दिल टर्न नाइस एंड ब्राउन। ठीक है, अब आप इसको जाली पे रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर आप उसको डस्ट करेंगे आइसिंग शुगर के साथ। मगर आप लोग प्लीज़ जब टाइम मिले डो को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ट्राई करिएगा।
नूडल्स हमारे हो गए हैं तो मैंने उनको रख दिया है यहाँ छन्नी में और पानी डाल दिया था और आप इसको छान लीजिए। सो दिस इज़ ऑल्सो डन, मीट बॉल्स बना लिए हैं। फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हुए इसको ब्राउन करेंगे, ठीक है, डीप फ्राई नहीं करेंगे, विल जस्ट ब्राउन देम। जी कॉलर हैं, कौन हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं हुमैदा बात कर रही हूँ फ्रांसी से। जी फरमाइए। पहले से तुम लोगों को बहुत बहुत एनिवर्सरी मुबारक 14। थैंक यू। अच्छा तुम लोगों का सेलिब्रेशन था सैटरडे वाले दिन। जी थैंक यू, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। तुम लोगों का सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और खासतौर पर ड्रेसिंग तो सबकी औसम थी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का ये सारा सेलिब्रेशन। थैंक यू। और अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे 14 साल और तुम लोग इसी तरह से काम करते रहो, अपने आप को प्रेजेंट करते रहो, हम लोगों के लिए एंटरटेन करते रहो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा माशाल्लाह, ये तुम लोगों की मेहनत है जो तुम लोगों को आज इस मकाम पे पहुंचा दिया है सबको। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाँ, हमारी सिर्फ मेहनत नहीं है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है, हमारी पूरी टीम, सिर्फ हम नहीं। सॉरी आवाज नहीं आ रही। हमारी पूरी टीम की मेहनत है, मैनेजमेंट की। हाँ, बिल्कुल, तुम्हारी मैनेजमेंट है, तुम्हारी सारी पूरी टीम है, ऑन एयर ऑफ एयर जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इन सब की मेहनत है। और शीरी तो ऐसी लग रही थी मलका बैठी हुई है और तुम सब शहजादी और शहजादे लग रहे थे, इरफान और तुम सब की सब। लो कर लो गल जी, थैंक यू। सही बात है। Oh my God, thank you so much. क्या क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, शहजादे और मलिका, वाकई वाले शहजादे और मलिका नाराज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने डस्ट करना है, सो वेयर इज माय छन्नी? नहीं मिल रही है छोटी छन्नी, तो बड़ी छन्नी से कर देंगे। You have to dust with icing sugar. हल्का हल्का ब्राउन होने दीजिएगा हर तरफ से, ओवर फ्राई नहीं कर दीजिएगा। ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो फिर वो अंदर से हार्ड हो जाएंगे, चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी पक जाएगी, ठीक है, और ड्राई आउट नहीं हो जाए। अच्छा, कबाब्स नॉर्मली ड्राई आउट हो जाते हैं जब चिकन के बनाते हैं। चिकन ब्रेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा थाई का गोश्त भी डाल दीजिएगा, उससे कभी भी नहीं होता है। फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल में हम इसको हल्के हल्का शैलो फ्राई कर रहे हैं, और बैचेस में करिएगा। हाँ, आधा किलो से बहुत सारे बन जाते हैं। फिर इनको हम सर्व करेंगे एक प्लेट में, मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे हम नूडल्स रखेंगे, उसके ऊपर हम ये सॉस में मिक्स करके, ये है थाई स्वीट चिली सॉस और मज़ीद, उसमें हम ये इनको कोट कर देंगे, ऊपर से हरा धनिया, हरा प्याज और ये मूँगफलियाँ जाएंगी। जस्ट कीप शेकिंग देम लाइक दैट, ताकि इवनली हर तरफ से इनका कलर आ जाए। बीफ के साथ, मटन के कीमे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन मीट बॉल्स थाई स्पेशलिटी है एक। सो आ कुकीज़ आर डन, उनको हम फिर प्लेटर पे निकालते हैं, और दूसरा हमारा ट्रे जो हमने रखी हुई है वो बेक हो रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश दीज रेसिपीज़, ताकि फिर हम फ्राइडे की रेसिपीज़ कम्प्लीट करें। पैन को मैं इसलिए शेक कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि इवनली हर तरफ से ये ब्राउन हो जाए। अगर आपको नहीं पता है कि कब हो गए, तो छुरी या कांटा मार के भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसको और मज़ीद स्पाइसी करना है या थाई फ्लेवर्स और इसमें डालने हैं, तो गलैंगल जो आता है, थाई जिंजर, वो डाल सकते हैं, वो
कैफिर लाइम लीव्स डाल सकते हैं, फिर वो बड़ी जो स्टिक में लेके आती हूँ लेमन ग्रास की वो डाल सकते हैं। और पता है क्या, इसमें एक चमचा आप रेड कड़ी पेस्ट या थाई ग्रीन कड़ी पेस्ट का भी डाल सकते हैं, फिर आपको कोई दूसरी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी, एक बोल में निकाल दूँगी, दूसरे डाल दूँगी, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। देखें सारे चिकन मीटबॉल्स हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इसके ऊपर बस आपने ये थाई स्वीट चिली सॉस डाल के ना मिक्स करके छोड़ देना है, बस कहानी ख़त्म। पकाना वकाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको आपने सर्विंग के वक्त नूडल्स के ऊपर डालना है। मैं अभी करती हूँ, उप्स एक मैंने तोड़ दिया ना, देखें ना मेरे काम। मैं लाती हूँ इसको यहाँ, ये इंडिविजुअल सर्विंग में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। I'll just use a गोल चम्मच या इसी किसी से उठा लें और अच्छी तरह जो मिक्स हुए हों मीट बॉल्स उनको आप रखिए। उप्स कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, put one more। अच्छा, फिर हम इसके ऊपर जो जो चीज़ें डालेंगे ना वो ये है, हरा प्याज। कॉलर हैं, हेलो। हेलो जी, कैसी है जरना साहब? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कौन और कहाँ से बोल रही हो, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अशल बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। वो मैं असल में आज मेरे दिल में थी कि मैं आज किसी ना किसी से बात करूंगी। अच्छा। मैं अभी आई हूँ, मैंने टीवी खोला है, मेरी कॉल फौरन लग गई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत और आपकी मसाला की जो एनिवर्सरी है 14th, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफर रहा है आप लोगों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इंशाल्लाह ये मैंने अभी देखा नहीं आपका बना के आ रही हूँ, लेकिन रिपीट में देखूंगी जरूर। 12 से 1 या सुबह में 9:30 से 10:30, ठीक है, जब भी आएगा इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कुकीज आर ऑल्सो डन, उनको भी हम निकाल देते हैं, शहद की वजह से ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। चाली पे निकाल के रखिएगा, ठंडे हों, फिर आइसिंग शुगर छिड़किएगा। ठीक है जी, एंड नाउ सम आइसिंग शुगर। हो गए, डन, ज़रा से ठंडे होंगे फिर मैं वहाँ रख दूँगी। सो दिस इज़ आर लेमन एंड पिस्ताचियो कुकीज़ फॉर टुडे, ठीक है। और थाई चिकन मीटबॉल्स इसी तरह सर्व करिएगा, नूडल्स बॉईल करके उसके ऊपर, और फिर हरा प्याज भी डालिएगा, हरा धनिया भी डालिएगा, ये मूंगफलियाँ भी डालिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, जूसी रहें। तो आप आधा चिकन ब्रेस्ट का गोश्त और आधा चिकन थाई का डालिएगा, थाई कीप्स द कबाब्स जूसी। और ये जो है, ये देखा आपने मैंने कितना कम सॉस लिया हुआ है, थाई स्वीट चिली सॉस, उतना ही लीजिएगा ताकि आप इसको कोट कर सकें, हमने इसको अंदर स्विमिंग नहीं कराने हैं, बस कोट हो जाए, चिपक जाए। ये चिली सॉस, थाई स्वीट चिली सॉस है,
सिराचा सॉस नहीं डालिएगा, वो बहुत तीखा होगा। थाई स्वीट चिली सॉस मिलता है, आपके पास नहीं हो तो फिर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सिराचा डालिएगा, ठीक है। रेगुलर चिली सॉस नहीं डाल दीजिएगा, वो बहुत तीखा हो जाएगा। सो दीज आर आवर रेसिपीज फॉर टुडे। अब कल की जो फ्राइडे की जो रेसिपीज थी ना हमारी, वो देखिए यहाँ मैंने रखा हुआ है। अब इसको मैंने जगह करनी है, वो तो नहीं है हमारे, ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक है ना, बस तो हम क्लीन अप करते हैं, जगह करते हैं। तीनों रेसिपीज निकाल के रखी हैं हमने, ये ब्राउनी वाला आइसक्रीम भी है, पाइनएप्पल कोकोनट आइसक्रीम, सब कुछ हम सजाएंगे, सफाई करेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। पिस्ताशियो लेमन कुकीज़। अच्छा, मैदा 1/3 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, मक्खन 1/2 कप, चीनी 1/2 कप, शहद 1/3 कप, पानी निकली दही 3 खाने के चम्मच, लेमन जेस्ट 1/4 चम्मच, नींबू का रस या एसेंस 1 खाने के चम्मच, चॉप्ड पिस्ते 1/4 कप, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए। तरकीब, एक बोल में मैदे को छानकर बेकिंग पाउडर मिक्स कर लें, फिर मक्खन और चीनी को फ्लफी होने तक फेंटें, उसके बाद इसमें दही, शहद, लेमन जेस्ट, नींबू का रस, नमक और चॉप्ड पिस्ते डालकर मिक्स करें। अब डो को लंबे मोल्ड में डालकर क्लिंग फिल्म लगाएं और रेफ्रिजरेटर में चंद घंटों के लिए रख दें। डो जम जाए तो उसे 1 इंच के साइज में काटकर सिलिकॉन लाइन बेकिंग ट्रे पर रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट गोल्ड होने तक बेक करें। फिर इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद आइसिंग शुगर से डस्ट करके सर्व करें। थाई चिकन मीट बॉल्स। अच्छा, चिकन का कीमा 500 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 1 कट्ठी, कुचला लहसुन 2 चवे, कद्दू का शतरंग 3 सेंटीमीटर टुकड़ा, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, फिश सॉस 2 खाने के चम्मचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल 3 खाने के चम्मचे, थाई स्वीट चिली सॉस 1/2 कप। गार्निशिंग के लिए हरी प्याज 1 अदद, क्रश्ड मूंगफली मुट्ठी भर, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, नूडल्स सर्विंग के लिए। तरकीब, एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर इस मिक्सचर से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दें, उसके बाद तेल गर्म करें और मीट बॉल्स को गोल्डन होने तक फ्राई करें, फिर इसमें थाई स्वीट चिली सॉस डालकर स्टिकी होने तक मिक्स कर लें, आखिर में हरी प्याज, क्रश्ड मूंगफली और चॉप्ड हरे धनिए से गार्निश करके नूडल्स के साथ सर्व करें। मैं इधर हूँ और यहाँ हमने निकाल चुके हैं वाइट चॉकलेट मूस केक, बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ेदार सा, चेरीज मैंने डाल दिए हैं एंड सम वाइट चॉकलेट ऑन टॉप, ठीक है, कुछ ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव डन दीज क्रिसमस कलर्स टुडे, बट ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा एंड इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सराहा ये फ्रोज़न डिज़र्ट्स वीक जो पिछले हफ्ते मैंने किया था, और उसके अलावा जो आप लोगों ने एनिवर्सरी का शो पसंद किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा और बनाइएगा और फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। अच्छा जी, पिस्ताचियो लेमन कुकीज़ हमारे थे आज के, और आज का ये थाई चिकन मीटबॉल्स पास्ता के साथ था, ये उस दिन वाला ब्राउनी फज आइसक्रीम है, इसके अंदर फज भी है, ऊपर से भी मैंने चॉकलेट सॉस डाली है, साइड में भी आप इस तरह फज रख सकते हैं। ये पाइनएप्पल कोकोनट आइसक्रीम है, मैंने ऊपर से मज़ीद और पाइनएप्पल्स डाले हैं। कल मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टफ्ड पोटैटोज, आलू के अंदर चिकन हम कैसे स्टफ़ करेंगे, उसमें हम एक मैक्सिकन सीजनिंग डालेंगे, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके अलावा उस्मानिया बिस्किट्स हैं, ठीक है, देखिएगा। और लज्जत में अभी समीना जलील और अबील होंगे लाइव, 5 बजे चिकन कुन्ना बनेगा, पंजाबी मसाला पुलाव बनेगा, तो ज़रूर 5 बजे ट्यून इन करिएगा, उनका शो भी देखिएगा, सारे हमारे रिकॉर्डेड और लाइव शो ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। अभी डन, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
खाने में है मजा। मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज।